नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका आपकी हिंदी की कक्षा में। तरंग हिंदी पाठ्य पुस्तक बाय ब्रेन रूट सीरीज से हम आ गए हैं पाठ संख्या 11 पर, और पाठ संख्या 11 का शीर्षक है मीरा के पथ। तो चलिए आगे चलते हैं। चित्र पर आधारित गतिविधि, चित्रों में दिए गए प्रसिद्ध कवियों को पहचानो और उनके दो दो दोहे लिखो। तो बच्चों, आप ये गतिविधि करेंगे और हम करते हैं पाठ में प्रवेश। मीराबाई ने अपने भजनों में अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपना प्रेम और भक्ति को व्यक्त किया है। उन्होंने सांसारिक मोह माया को त्याग कर भगवान के चरणों में शरण लेने का संदेश दिया है। इस पाठ के माध्यम से हम मीराबाई के भजनों के गहरे अर्थों को समझेंगे और उनसे प्रेरणा प्राप्त करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं बच्चों, शुरू करते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभय खोवायो। खर्चे नहीं चोर न लेवे, दिन दिन बधत सवाया। सत की नाव से खेवटिया सतगुरु, भव सागर तरी आयो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हर की हरखी जस गायो। मीरा जी कहती हैं कि मुझे तो अपने कृष्ण के नाम के रतन की धन की प्राप्ति हो गई है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, और मेरे कृष्ण ने, मेरे सद्गुरु ने ये अमूल्य भक्ति की वस्तु जो मुझे दी है और मुझे अपना लिया है, उससे ऐसा प्रतीत होता है मानो मैंने जन्म जन्म की पूंजी पा ली है। जग में सब कुछ खोकर मैंने वह पूंजी पाई है। खर्चे नहीं चोर ना लेवे, जो ना खर्च होती है चोर उसे चुरा नहीं सकता, बल्कि दिन प्रतिदिन वह बढ़ती ही जाती है। किसकी बात हो रही है? कृष्ण के प्रति मीरा के प्रेम और भक्ति की। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तरी आयो। मेरी जीवन की नैया अब मेरे सतगुरु के हाथ में है, मेरे कृष्ण के हाथ में है, जो मुझे भव सागर से पार ले जाएगी। मीरा कहती है कि मेरे प्रभु गिरिधर नागर हैं, हर की जस गायो, और मैं पूरे संसार में हंसते हंसते उनका गुणगान करती हूँ। राम नाम रस पीजे मनुआ, राम नाम रस पीजे। तजी कुसंग सत्संग बैठी, नित हरि चर्चा सुनी लीजे। काम क्रोध मद लोभ मोह को बहा चित्त तय दीजे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, लही के रंग में भीजे। मीरा बाई जी कहती हैं कि हमें राम नाम का रस पीना चाहिए, राम नाम के रस से अपने मन को सींचना चाहिए। कुसंग को त्याग कर हमें रोज सत्संग करना चाहिए, हमें सुसज्जनों की संगति करनी चाहिए, और कृष्ण की चर्चा, हरि चर्चा सुनी लीजिए। कृष्ण भक्ति में लीन होकर उन्हीं की चर्चा करनी चाहिए। मीराबाई जी कहती हैं कि हमें हमारे चित्त से, हमारे मन से काम क्रोध लोभ मद मोह आदि कुसंस्कारों को निकाल देना चाहिए, और हमें गिरधर नागर के प्रेम के रस में भीग जाना चाहिए, उनके रंग में रंग जाना चाहिए। मैं तो सांवरे के रंग राची, साजी सिंगार बांधी पद पग घुंगरू, लोक लाज तजी नाची। गई कुमति लई साधु की संगति, भगत रूप भाई साची। गाई गाई के हरि के गुण, निसी दिन काल ब्याल सू बाची। उर बिनु सब जग खारी लागत, और बात सब काची। मीरा के प्रभु गिरधर लाल, सु भक्ति रसीली जाची।
मीराबाई जी कहती हैं कि मैं तो अपने सांवरे अपने श्री कृष्ण के रंग में रच गई हूँ, साज सिंगार करके पैरों में घुंघरू बांध के लोक लाज सब त्याग कर मैं तो उन्हीं का गुणगान उन्हीं के लिए भजन कर रही हूँ। मेरी कुमति चली गई है क्योंकि मैंने साधुओं की संगति कर ली है और भगत रूप में आ गई हूँ। गाई गाई के हरि के गुण निसिदिन रोज रोज हरि के गुणों को गा गा कर मैं काल और व्याल के चक्र से बच गई हूँ, मतलब जीवन मृत्यु के चक्र से निकल गई हूँ। उर बिनु सब जग हारी लागत, मीराबाई को कृष्ण के बिना सारा संसार ऐसा लगता है जैसे खारा हो, खारा समुद्र हो, और सारी बातें व्यर्थ लगती हैं। मीरा जी कहती हैं कि मेरे तो प्रभु गिरधर नागर हैं और मुझे उन्हीं की भक्ति में सबसे ज़्यादा रस का अनुभव होता है। तो मीरा जी श्री कृष्ण की अगाध भक्त और उनसे प्रेम करने वाली थी। चलिए आगे देखते हैं, हमें दिए हुए हैं यहाँ पर कठिन शब्द अमोलक, सतगुरु, खेवटिया, हरखी, कुसंग, बदत, हरखी, चित्त, कुमति, संगति। अब ये सारे कठिन शब्द आपको लिखने हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में। यहाँ हमें दिए हुए हैं शब्द अर्थ जिन्हें आप याद करेंगे और अपनी पाठ्य पुस्तक में भी लिखेंगे। अमोलक का अर्थ है अमूल्य अर्थात भक्ति, कृपा करी कृपा करके दया करके, पूंजी संपत्ति, बदत बढ़ती है, सत सत्य, खेवटिया नाव खेने वाला, भवसागर संसार, हरखी हर्ष से प्रसन्न होकर, मनुआ मन, कुसंग बुरी संगति, तजी छोड़िए त्यागिए, भीजे भीग जाइए लीन हो जाइए, रंग रांची रंग में रंगी, साजी सिंगार श्रृंगार करके, काल व्याल काल रूपी सर्प से बाँची बच गई हूँ, खारी लागत बुरा लगता है, कांची कच्ची व्यर्थ, जांची याचना मांगना। अब हम करते हैं बात पाठ की। मीराबाई को कौन सा रत्न मिल गया है, उसका क्या मूल्य है? मीराबाई को राम रत्न की प्राप्ति हो गई है और उसका यह मूल्य है कि ना तो वह खर्च होता है और ना ही उसे चोर चुरा सकता है, जबकि वह दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहता है। मीरा को यह अमूल्य वस्तु किसने दी है? मीरा को यह अमूल्य वस्तु उसके सद्गुरु ने दी है। वह क्या चीज़ है जिसे चोर चुरा नहीं सकता और यह दिन पर दिन बढ़ती जाती है? राम नाम का रत्न जो मीरा की कृष्ण के प्रति अथाह भक्ति है, वह भजन सिमरन एक ऐसी संपत्ति है, ऐसी पूंजी है जिसे चोर चुरा नहीं सकता और यह दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ, खर्चे नहीं चोर न लेवे, दिन दिन बधत सवायो। किसकी संगति को त्याग देना चाहिए? कुसंगत को त्याग देना चाहिए, बुरी संगत को त्याग देना चाहिए। मीरा किससे बच गई है? काल व्याल। मीरा ने भव सागर किसे कहा है? संसार को भव सागर कहा है। प्रश्न नंबर 3 है काव्य पंक्तियां पूरी करो, जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सबे खुवायो, सत की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तरी आयो, तजी कुसंग सत्संग बैठी नित हरि चर्चा सुनी लीजे, उर्बिनु सब जग खारी लागत और बात सब कांची, मीरा के प्रभु गिरधर लाल सु भक्ति रसीली जांची। तो चलिए आगे चलते हैं।
निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट करो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। मीरा जी कहती हैं कि मेरे सतगुरु ने, मेरे भगवान ने मुझे अमूल्य वस्तु दी है। यहाँ पर अमूल्य वस्तु से मीराबाई का आशय है कि उन्हें भगवान की भक्ति नामक रस की प्राप्ति हुई है, उन्हें राम रतन के धन की प्राप्ति हुई है जो कि अमूल्य है। ना वह चोरी हो सकती है, ना वह खर्च हो सकती है, वह दिन प्रतिदिन बढ़ती ही रहती है। खर्चे नहीं चोर न ले वे। यहाँ मीराबाई उसी अमूल्य राम रतन धन की प्राप्ति की बात कर रही हैं कि वह जिस भक्ति के अथाह सागर में डूबी हुई हैं, वह नाम रस, वह कृष्ण के नाम का रस एक ऐसी पूंजी है जो ना खर्च हो सकती है और ना ही चोर उसे ले सकता है। काम क्रोध मद लोभ मोह को बहा चित्त तय दीजिए। मीरा जी हम सभी मनुष्य जाति को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हमें काम क्रोध मद लोभ और मोह जैसे कुविचारों को अपने चित्त से निकाल देना चाहिए और कृष्ण की भक्ति में मगन हो जाना चाहिए। साजी सिंगार बांधी पग घुंघरू लोक लाज तजी नाची। मीराबाई जी कहती हैं कि उन्हें लोक लज्जा का कोई भय नहीं है। वे अपने गिरिधर नागर के लिए साज सिंगार करके पैरों में घुंघरू बांध के उनका नाच गाकर कीर्तन कर रही हैं। उन्हें इस संसार का बिल्कुल भी कोई भय नहीं है। भक्ति रसीली जांची। मीराबाई को कृष्ण की भक्ति ही सबसे ज़्यादा रस से भरी हुई लगती है। उन्हें उतना आनंद और संसार की किसी वस्तु में नहीं आता जितना श्री कृष्ण की भक्ति में आता है। तो आशा करती हूँ कि आपको इन पंक्तियों का अर्थ अब स्पष्ट हो गया होगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। मीरा ने भव सागर किसे कहा है? मीरा ने भव सागर इस संसार को कहा है। इस संसार में जब हम आते हैं तो इस संसार के कार्यों में काम क्रोध लोभ मोह मद आदि के चक्रों में फंसकर हम अपने भगवान का सिमरन करना ही भूल जाते हैं। तो मीराबाई ने इस संसार रूपी माया को भवसागर कहा है। मीरा को भगवान बिना सब संसार कैसा लगता है? मीरा को भगवान बिना ये सब संसार खारा लगता है। हर तरह की चर्चा व्यर्थ लगती है। मीरा किस रूप में नाची थी? मीरा पैरों में घुंघरू बांध के साज सिंगार करके पूरी तरह से श्री कृष्ण की भक्ति में मग्न होकर नाची थी। मीरा किस नाम का रस पीने के लिए कह रही हैं? मीरा राम नाम का रस पीने के लिए कह रही हैं। तो आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये मीरा के पद अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आभार। मिलते हैं नए पाठ के साथ।